मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक ऐसा कुछ कर जाते हैं जो चर्चाओं का विषय बन जाता है। अभी वो कंधे पर गेंती रखकर हलमा उत्सव में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हलमा की पवित्रता परंपरा को हम पूरे प्रदेश में लेकर जाएंगे। कई जगह भागीदारी से काम हो भी रहा है, जैसे वृक्षारोपण का काम, जल संरक्षण का काम, लेकिन इसको हम और व्यापक पैमाने पर लेकर जाएंगे। हलमा उत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गैती लेकर पहुंचे और आदिवासी समाज का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि हमारे जनजातीय समाज के आदिवासी भाई बहनों की ये परंपरा, जिसमें समाज का कोई भाई बहन किसी काम में यदि पीछे रह गया हो तो हम भी उसके साथ गैती पावड़ा उठाएं और उसका साथ दें, ताकि वो बिछड़ ना जाए। अगर वो घर बनवाने में पिछड़ गया हो तो घर बनवा दो, कुआं खोदने में देर लग रही हो तो मिलकर कुआं खुदवा दो, अगर खेती में पिछड़ गया है तो मिलकर सब लोग उसकी खेती करवा दो। यह अद्भुत परंपरा है, यही है वसुधैव कुटुंबकम। हलमा की पवित्रता परंपरा को हम पूरे देश में लेकर जाएंगे। हमारे जनजातीय समाज की आदिवासी भाई बहनों की यह परंपरा, जिसमें समाज का कोई भी भाई बहन अगर पीछे रह गया हो किसी काम में तो वो पिछड़ ना जाए, चलो हम भी गैती फावड़ा उठाएं और उसका साथ दें। अगर वो घर बनाने में पिछड़ गया तो घर बनवा दो, कुआं खोदने में देर लग रही तो कुआं मिलके खुदवा दो, अगर खेती में पिछड़ गया है तो मिलके सब चलो उसकी खेती पूरी करवा दो। ये अद्भुत परंपरा, यही है वसुधैव कुटुंबकम परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये अद्भुत परंपरा। उन्होंने कहा कि हलमा की अद्भुत परंपरा को आपने सार्वजनिक करने का प्रयास किया। कंधे पर गैती लेकर कल से आप लोग यहाँ आए हैं, पहले गैती यात्रा निकाली, गैती की पूजा की। हमारे आदिवासी भाई बहनों की हलमा परंपरा जो आज दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकती है, उस परंपरा के अंतर्गत आपने आज यहाँ टंच की खुदाई की पानी के संरक्षण के लिए। हलमा की अद्भुत परंपरा को आपने सार्वजनिक प्रयास किया है, कल से आप आए कंधे पे गैती लेके, पहले गैती यात्रा निकाली, गैती की पूजा की और उसके बाद आपने हलमा की वो हमारी जनजाति आदिवासी भाई बहनों की परंपरा जो आज दुनिया को बचा सकती है ग्लोबल वार्मिंग से, उस परंपरा के अंतर्गत आपने यहां ट्रंच की खुदाई की पानी के संरक्षण के लिए। जो काम आपको दिया गया, सवेरे मुझे बताया 5 बजे जग के आप निकल गए, कल रात तक देर रात तक कार्यक्रम हुए और आपने संकल्प लिया है कि हाथी बाबा पहाड़ी भी हरी भरी करेंगे, पानी रोकने की जल संरचनाएं बनाएंगे और अपने अपने गांव में भी ऐसी जल संरचनाएं बना के उनको हरा भरा करेंगे। मैं दोनों हाथ जोड़ के और सीस झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।